हेलो एस्पायरेंट्स, अगेन आई एम हियर विथ यू पीपल विथ अ रियली वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप टारगेट कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन। अब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को टारगेट करने से ज्यादा ये भी है कि उसका पेपर पैटर्न समझें। पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस सेशन में गेट एक्सेल का पेपर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, एग्जामिनेशन कैसा होता है। एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है, ये तो हम सभी को पता है, राइट? एंड इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। कैसा एग्जामिनेशन है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। अब आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है, सेक्शन पी विच इज केमिस्ट्री, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है? सेक्शन पी विच इज केमिस्ट्री, इट इज कंपल्सरी। अब आप जो QRSTU है, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 सेक्शंस चूज कर सकते हैं। कोई भी कितने सेक्शंस चूज कर सकते हैं? 2 सेक्शंस चूज कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बॉटनी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री फूड टेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे रैंडम 2 कॉम्बिनेशंस कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि पूरा पेपर आपको एसेसिबल रहता है। आपको वहां जाकर चूज करना है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। वैसे मैं बोलूंगी कि आप अपने कॉम्बिनेशंस को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो जो QRSTU है, इसमें से आपको एनी 2 कॉम्बिनेशंस लेने हैं और उसके क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको और आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा सही है। इट कैन बी ऑल्सो MSQ, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू पीपल एंड मोर देन 1 आंसर कैन बी करेक्ट फॉर द सेम। सो दैट इज MSQ एंड नेक्स्ट इज NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इट इज सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आर्कोडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, वो कितने कार्बन का बना होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यस, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं गेट एक्सेल, दैट इज गेट लाइफ साइंसेज में आपसे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 65। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 10 फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 15 फॉर केमिस्ट्री विच इज कंपल्सरी। ओके, मतलब 15 में से जितने आ रहे हैं उतने ही करिए। कंपल्सरी मतलब केमिस्ट्री के सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना जरूर है। यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन हियर। सब्जेक्ट 20 फ्रॉम एनी सब्जेक्ट 1 यू चूज, PQRSTU जो भी आपने चूज करा था, पी वॉज केमिस्ट्री, QRSTU। एंड सेकेंड सब्जेक्ट से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 जनरल एप्टीट्यूड से, 15 केमिस्ट्री से, 20 आपके चॉइस 1 से और 20 आपके चॉइस 2 से। टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। अब मार्किंग स्कीम क्या है? तो जनरल एप्टीट्यूड 15+ मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का। जो तो मैं बोल रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का। जो हमारा सब्जेक्ट 1 होता है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स एंड सब्जेक्ट 2 इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स एंड टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। टोटल कितने का होता है? टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स। तो कुछ इस तरह से आपके एग्जाम का पेपर पैटर्न होता है एंड दिस इज हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। तो अपनी गेट एग्जामिनेशन की तैयारी को जारी रखिए। इस अकॉर्डिंग पढ़िए कि आप केमिस्ट्री को एज वेल एज दोनों सेक्शंस को अलोंग विद जनरल एप्टीट्यूड को टारगेट कर सके। ध्यान रखिए कट ऑफ के कंपैरिजन में आपको कितनी प्रिपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग चलिए। देखिए, कट ऑफ इज लेस देन 50%। अगर आप 45% के अबव ले आते हैं, आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 रहेंगे। ध्यान रखिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो कि ये कम्प्लीट पेपर पैटर्न कैसा है, आपका गेट लाइफ साइंसेस का एग्जाम पैटर्न कैसा है। कट ऑफ जानने के लिए जुड़े रहिए IFS के साथ। लास्ट 5 ईयर्स का वो एनालिसिस भी आपको मिलेगा। एंड डियर एस्पायरेंट्स, डू नॉट मिस द लाइव सेशन एट IFS ऑनलाइन एज वेल एज सभी गेट एस्पायरेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव गेट चैनल IFS ने लॉन्च कर दिया है, दैट इज गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर गेट से एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।